हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई विकास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो आप थंबनेल देख ही लिए होंगे, क्या ये तो क्वेश्चन लीक हो गया। यही ये क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में आने वाला जरूर है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए आपको बता देते हो किस तरह से क्वेश्चन यही तो आएगा ही आएगा। यही सब मतलब जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा जितना पूरा सेट ही मिल जाएगा आपको, या तो फर्स्ट सेकेंड में या तो सेकेंड सीटिंग में। अगर नहीं आया तो हमको बोलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए इस वीडियो को स्टार्ट करते, पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, रक्त को थक्का बनाने में कौन सी मदद करती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएँ होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाता है। मतलब कौन सी धमनी या सिरा जो है शुद्ध रक्त को पहुँचा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त को वहाँ तक पहुँचाता है, सभी सिराओं में विभिन्न अंगों में पहुँचाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, यही क्वेश्चन होने वाला, आपको विश्वास भले ही ना हो रहे, लेकिन यही सब आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊँ वही पूरा सेट ही मिल जाएगा। आप पूरा देखिए वीडियो को, और एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा भी देखिए, क्योंकि यही आने वाला ही है, तो आप छोड़ नहीं सकते। और आप तो तैयारी क्या किए हैं वो आप ही जानते होंगे। अच्छा है तो अच्छा है दोस्तों। तीसरा नंबर है, सांस छोड़ते वक्त समय निकलने वाली गैस है। मतलब दोस्तों, सांस छोड़ते वक्त निकलने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है ब्रिक। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ब्रिक। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों, मक्खी या मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग हैजा है। तो इसका सही मलेरिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। तो दोस्तों देखिए, इसमें ए बहुत ज़्यादा सही। अगर ऐसे तो आप पूरा देख लीजिएगा तो पूरा आ ही जाएगा, तो आप ये मार कर क्या कीजिएगा, पूरा पूरी आपको मालूम ही होगा ये। तो दोस्तों, अगला है छठा प्रश्न, मलेरिया रोग फैलता है। मतलब मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो अभी तुरंत देखे थे आप मक्खी के द्वारा। देखिए, दो बार दिया गया क्वेश्चन। दोस्तों, यही क्वेश्चन ही है, आपको विश्वास भले ना ही हो रहे, लेकिन आप ज़रूर देख लीजिए। अगर इतना देखे ही भी नहीं होती, इसको भी आप विश्वास जता कर देख लीजिए, क्योंकि यही आने वाला ही है। सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता है। तो दोस्तों, सुरक्षित भविष्य की आवश्यकता है बचत। अगर आप भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बचत हो, यहाँ बजट लिखा हुआ लेकिन बचत हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, बर्तन ब्रशों से साफ़ किया जाता है। तो दोस्तों, बर्तन ब्रशों से साफ़ किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का बर्तन जो होता है वो ब्रशों से साफ़ किया जाता है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, नींबू के रस से साफ़ किया जाता है। दोस्तों, नींबू के रस से ना पीतल का बर्तन साफ़ किया जाता है, और देखिए तांबा का भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी। दसवां प्रश्न है दोस्तों, श्रम और ईंधन की बचत होती है। दोस्तों, श्रम और ईंधन की बचत किसके द्वारा होती है? जैसे गैस चूल्हा हो गया, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, यानी सभी के द्वारा होता है श्रम और ईंधन। श्रम मतलब मेहनत कम लगता है, और ईंधन की दोनों का बचत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ग्यारहवां प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषित किसके द्वारा होता है? जैसे वनों के निरंतर कटाई, यानी ज़्यादा कटाई होने के कारण होता है, भूमि के कटाव से होता है, पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण होता है, यानी ये सभी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। बारहवां प्रश्न है दोस्तों, गृह अलंकरण निर्भर करता है, यानी किस पर गृह अलंकरण निर्भर करता है? तो दोस्तों, रंग के ज्ञान पर, कला के ज्ञान पर, आर्थिक दशा पर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ये सभी पर गृह अलंकरण निर्भर करता है। तेरहवां प्रश्न है दोस्तों, डैश पौधों को प्रारंभ में ही निकाल कर फेंक दिया जाता है, यानी कैसे पौधे को प्रारंभ में ही निकाल कर फेंक दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगग्रस्त। तो जो रोगग्रस्त होते हैं उसको निकाल कर फेंक देते हैं, ताकि दूसरे पौधे पर असर ना पड़े, यानी सरे ना वो पौधे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोगग्रस्त पौधे। चौदहवां प्रश्न है दोस्तों, गृह वाटिका में तोड़ी गई सब्जियों को फ्रिज में रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए, जल से धो देना चाहिए? तो दोस्तों, इसका स्वाभाविक है, जो आप गृह वाटिका से तोड़ कर लाएँ उसको जल से धो देना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्वेश्चन मेरे पास कैसे आया, ये बहुत ही पूरा पूरी आपको सेट या फर्स्ट सीटिंग में या तो सेकंड सीटिंग में आना तय है, इसलिए आप वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो को देख ले, क्योंकि पूरा पूरी आपको याद ही कर लेना है। 15वां प्रश्न दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों दाल में, प्रोटीन ज़्यादातर किस में होती है, दाल में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दाल में। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भोजन के कार्य हैं, तो दोस्तों भोजन के क्या कार्य हैं, तो शरीर की वृद्धि में मदद करना, ये भी है, रोगों से रक्षा करना, ये भी है, शरीर में शक्ति प्रदान करना, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इनके कार्य है भोजन के। 17वां प्रश्न है दोस्तों, वसा पाई जाती है, वसा किस में पाई जाती है, तो दोस्तों वसा जो है ना चावल में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चावल में वसा चावल में पाई जाती है अधिक मात्रा में। 18वां प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन जो है नमक में पाया जाता है, यानी आयोडीन नमक में मिला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नमक में। 19वां प्रश्न है दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ना 2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 कैलोरी। 20वां प्रश्न है दोस्तों, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, दोस्तों जैसे बहुत कम मात्रा में क्या चाहिए शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में चाहिए शरीर के विकास के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है दोस्तों, पानी द्वारा भोज्य पदार्थों को क्या किया जाता है, मतलब तो जैसे पेट में जो पानी है ना वो क्या करता है भोज्य पदार्थ को, तो वो तला जाता है, यानी सॉरी दोस्तों ये बोला, पानी द्वारा भोज पदार्थों को उबाला जाता है, पानी द्वारा ही हम भोज पदार्थ को उबालते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उबाला जाता है। 22वां प्रश्न है दोस्तों, काली खांसी का लक्षण है, तो दोस्तों काली खांसी का लक्षण है खांसते खांसते उल्टी हो जाता है, काली खांसी जब हो जाती है ना किसी को तो खांसते खांसते उल्टी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खांसते खांसते उल्टी हो जाना। 23वां प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति वसा के स्रोत हैं, तो दोस्तों वनस्पति वसा के स्रोत हैं सरसों हैं मूँगफली है, यानी ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एवं बी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा ना 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा, इसके कारण 14 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते, इसलिए आपको हम 35 ही क्वेश्चन बताएँ, और 35 ही याद कर लीजिए, क्योंकि 35 ही आपको बनाना है, तो आप पूरा पूरी 42 को सॉरी आपको कितना क्वेश्चन जैसे 48 को मिलेगा उसमें से आपको 40 को ही बनाना, तो आपको हम 35 को ही बता सकेंगे। 24वां प्रश्न है दोस्तों, सूखा रोग का कारण है, तो सूखा रोग का कारण क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कमी, वसा की कमी, खनिज लवण की कमी, प्रोटीन की कमी, दोस्तों सूखा रोग जो आदमी को होता है यानी कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है सूखा रोग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, जैसे पतला दुबला लोग हो जाता है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, स्वच्छ महत्वपूर्ण है, स्वयं के लिए, समाज के लिए, यानी सबके लिए, अगर आप स्वस्थ रहे तो समाज की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों मैं तेज़ी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम अपलोड नहीं कर सकेंगे, जितना क्वेश्चन होगा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मतलब वीडियो आए तो मैं आपको भेज दूँगा, यानी अगला क्वेश्चन आए तो। 26वां, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, खेल ही बच्चों का जीवन है, ये मतलब सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। 27वां प्रश्न है दोस्तों, गृहिणी घर खर्च के पैसे बचाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चीज़ों से बचाती है, तो उपयोग तो सभी हो जाएगा। दोस्तों मैं तेज़ी में बता रहा हूँ, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर हम तेज़ी में नहीं बताएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड नहीं हम कर सकेंगे, 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद ही हम 14 मिनट से ऊपर अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए तेज़ी में मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अवला में पाया जाने वाला विटामिन है, तो अवला में पाया जाने वाला विटामिन सोर, दोस्तों ये आंसर हमको नहीं मालूम है, जो रियली बात है आप इसको खोज लीजिएगा। 28वां, अवला में पाया जाने वाला विटामिन कौन से, हमको नहीं मालूम है दोस्तों, ये कमेंट में आप बता सकते हैं। 29वां प्रश्न है दोस्तों, हैजा फैलता है, दोस्तों हैजा जो है वायरस से फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। 30वां प्रश्न है दोस्तों, पेयजल का प्राकृतिक स्रोत है, दोस्तों पेयजल का प्राकृतिक स्रोत जैसे कुआं
हो गया, जैसे सबसे पुराना है जो कुआं हो गया, जैसे पेयजल से ज़्यादा पेयजल यूज़ किए जाते हैं कुआं से। जैसे झील भी एक आध होता है, जैसे मीठा झील जो होता है उससे हम पानी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुआं सटीक आंसर हो जाएगा क्योंकि कुआं से अधिकतर लोग पानी पीते थे पहले। इकतीसवां प्रश्न है दोस्तों, रोगी का भोजन होना चाहिए, मतलब रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए। मसालेदार तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, और गरिष्ठ भी नहीं होना चाहिए। सुपच, मतलब जो पच जाए वही होना चाहिए, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपच। 32वां प्रश्न है दोस्तों, गिरी वाटिका में मिट्टी खोदने के लिए प्रयुक्त होता है, दोस्तों गिरी वाटिका में मिट्टी खोदने के लिए प्रयुक्त जो होता है रूट फील्डर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूट फील्डर। 33वां प्रश्न है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों रेफ्रिजरेटर का प्रयोग तीनों में किया जाता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, किण्वन में भी, प्रशीतन में भी, निर्जलीकरण में भी। दोस्तों 34वां प्रश्न है, इनमें से नमक में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, दोस्तों नमक में कैल्शियम पाया जाता है सी ए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम। 35वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन चावल बनाने की एक विधि है, तो दोस्तों चावल बनाने की उबालना एक विधि है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अपलोड नहीं कर सकेंगे हम, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप पूरा ही 35 याद कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन आने वाला है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको अगले वीडियो जो भेजे, अगले जैसे साइंस के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है एग्ज़ाम उसका वीडियो भेजेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। चलिए दोस्तों इतना ही, अगले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय।